हरियाणा विधानसभा चुनाव में आज एक अफवाह फैल गई कि बसपा प्रत्याशियों द्वारा किसी अन्य दल को समर्थन कर दिया गया है। तत्काल बसपा प्रत्याशियों ने इस अफवाह का खंडन करना शुरू कर दिया। इस दौरान हमारी बातचीत अंबाला छावनी से बसपा प्रत्याशी राजेश चनियाल से हुई। उन्होंने इस अफवाह को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बसपा प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अपने बल पर बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में सरकार बना रही है। विपक्ष बसपा के इस आलीशान प्रदर्शन से डरा हुआ है। उन्होंने कहा कि बसपा के इस आलीशान प्रदर्शन से विपक्ष तुच्छ स्तर की राजनीति पर उतर आया है। अंबाला छावनी से बसपा प्रत्याशी राजेश चनियाल ने कहा कि हमारी जीत सुनिश्चित है और प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। इसे देख करके हमारा विपक्ष जो है वो डरा हुआ है और अलग अलग तरीके की कोरी अफवाह उड़ा रहा है। देखें हमारी प्रतिनिधि आंचल से बातचीत का एक खास अंश। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसा कि आज सुनने में आ रहा है कि आपने समर्थन दे दिया, क्या ये सत्य है? नहीं मैडम, हमने किसी को कोई समर्थन नहीं दिया। लोग ये गलत अफवाहें फैला रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी 90 की 90 सीटों पे अपने ही दम पे इलेक्शन लड़ रही है और हम बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये जो दूसरे जो पार्टियों के कैंडिडेट हैं उनके मन में एक तरह की घबराहट है कि बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में अपने दम पे सरकार बनाना चाहे, और हम बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। मजबूती के साथ आप इलेक्शन तो लड़ रहे हैं पर फिर ये अफवाह जो उड़ा रहे हैं, या तो मैडम ये जो अफवाह उड़ा रहे हैं ये गलत है। हमारी किसी से बात नहीं हुई, अपोजिशन भी और कोई भी पार्टी हो अगर वो कहे कि राजेश कुमार चनालिया ने हमें समर्थन दिया तो नहीं, ये गलत सरासर गलत बात है। हम चुनाव अंबाला कैंट सीट से राजेश कुमार चनालिया पार्टी और हमारे सारे अंबाला कैंट के वर्कर सब अपने दम पे, और हम जनसंपर्क हमने इतना तेज कर दिया, हम हर घर में जा रहे हैं, हर घर से समर्थन हमें मिल रहा है और हम अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि सुनने में आ रहा है परसों बारा गांव में आपका एक प्रोग्राम कार्यक्रम था और वो कार्यक्रम एक बहुत बड़े लेवल का था, अच्छा भीड़ था, और वहीं से सुनने में आ रहा है कि वहीं से ये बात उठी है। मैडम ये ऐसा है, जो पार्टियां ये कह रही हैं कि चनालिया ने हमें समर्थन दिया है वो सरासर गलत है। मैंने किसी को कोई समर्थन नहीं दिया। मैं और हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। आपका कहने का मतलब यह है आप कोई भी समर्थन नहीं दे रहे, आपकी पार्टी अपने बलबूते पर इस लड़ाई को लड़ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये सर कोई बहन जी का जो नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हम उस नीतियों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, हर वर्ग में जा रहे हैं, चाहे वो जर्नल हो कोई भी समाज हो, हम सब में जा रहे हैं। और बहन जी ने ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा दिया था उन्होंने उसको पूरा भी किया है, क्योंकि बहन जी ने सब समाज को टिकट दी है, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो क्षत्रिय समाज हो, चाहे वो वैश्य समाज हो, चाहे वो शूद्र समाज हो, मतलब हर वर्ग को बहन जी ने टिकट दी है। उसमें वाल्मीकि भी हैं, हरिजन भी हैं, जाट भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, हर वर्ग को बहन जी ने टिकट देकर हरियाणा में एक नई मिसाल कायम की है। जो बहन जी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो उन्होंने नारा दिया है वो उन्होंने ये मिसाल कायम की। आपकी पार्टी किस मुद्दे को लेकर उतरी है? मैडम हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो मुद्दा सबसे बड़ा बेरोजगारी का है, दूसरा जो हमारे महापुरुषों के मंदिर तोड़े जा रहे हैं वो है, तीसरा मुद्दा जो हमारी जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं वो है, और मैं जहाँ मतलब गांव-गांव में मोहल्लों में बस्तियों में जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बीजेपी सरकार कहती है कि हमने 1825 दिन के अंदर 1 करोड़ की एवरेज में एक अंबाला कैंट के अंदर हमने विकास कार्य करे हैं। मैडम अगर 1 करोड़ की एवरेज में अंबाला कैंट में विकास कार्य हो जाते तो ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को भी फेल करता।